लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने होम ग्राउंड पर इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में दूसरी जीत दर्ज की है। केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। यह लखनऊ की हैदराबाद पर लीग में ओवरऑल दूसरी जीत भी है। वहीं दोनों टीमों के बीच अब तक 2 मुकाबले हुए हैं और दोनों ही लखनऊ ने जीते हैं। इस जीत के बाद लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल के पहले नंबर पर आ गई है। वहीं 3 मैचों के बाद टीम के 4 अंक हो गए हैं। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन बनाए। वहीं 122 रनों का टारगेट लखनऊ ने 16 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। वहीं अगर हाइलाइट्स की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। वहीं अब्दुल समद 10 बॉल में 21 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं राहुल त्रिपाठी ने 35, अनमोलप्रीत सिंह ने 31 और वाशिंगटन सुंदर ने 16 रन बनाए। वहीं टीम के 5 बैटर्स दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। वहीं कुणाल पांड्या ने 3 और अमित मिश्रा ने 2 विकेट लिए। उनके अलावा यश ठाकुर और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट मिला। जवाब में कप्तान केएल राहुल के 35 रन और काइल मेयर्स ने लखनऊ को तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने 27 बॉल पर 35 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई। यहां मेयर्स 13 रन बनाकर आउट हुई। फिर राहुल ने दीपक और कुणाल के साथ पारी को आगे बढ़ाई। उन्होंने पंड्या के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। अंत में निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस ने टीम को 5 विकेट से जीत दिला दिया। वहीं निकोलस पूरन 11 और मार्कस स्टोइनिस 10 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं हैदराबाद से आदिल रशीद ने 2 विकेट लिए। वहीं भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और फजल हक फारूकी को 1-1 विकेट मिला। वहीं अगर लखनऊ के विकेट की बात करें तो पहला विकेट 5वें ओवर की 3री बॉल पर फजल हक फारूकी ने काइल मेयर को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट कराया। दूसरा विकेट 6वें ओवर की आखिरी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार ने दीपक हुडा को फॉलो थ्रू में कॉट एंड बोल्ड किया। तीसरा विकेट 13वें ओवर की 2री बॉल पर उमरान मलिक ने कुणाल पांड्या को अनमोलप्रीत सिंह के हाथों कैच आउट कराया। चौथा विकेट 15वें ओवर की 1ली बॉल पर राशिद खान ने केएल राहुल को LBW कर दिया। 5वां विकेट 15वें ओवर की 2री बॉल पर राशिद खान ने रोमारियो शेफर्ड को LBW कर दिया। वहीं अगर हैदराबाद की बल्लेबाजी की बात करें तो हैदराबाद के बैटर्स को शुरुआत से ही स्पिनर्स के सामने परेशानी हुई। पावर प्ले में कुणाल पांड्या ने मयंक अग्रवाल को पवेलियन भेजा। उन्होंने 3 विकेट लेकर अपना स्पेल खत्म किया। उनके अलावा रिस्ट स्पिनर अमित मिश्रा को 2, रवि बिश्नोई को 1 विकेट मिला। वहीं पेसर यश ठाकुर को 1 विकेट मिला। हैदराबाद के बाकी बैटर्स में अनमोलप्रीत सिंह ने 31, मयंक अग्रवाल ने 8, हैरी ब्रूक ने 3, वॉशिंगटन सुंदर ने 16 और आदिल रशीद ने 4 रन बनाए। वहीं उमरान मलिक और एडन मार्करम अपना खाता भी नहीं खोल सके। वहीं अब्दुल समद 10 बॉल में 21 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं अगर हैदराबाद की विकेट की बात करें तो पहला विकेट 3री ओवर की 5वीं बॉल पर कुणाल पांड्या ने मयंक अग्रवाल को कवर पर मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट कराया। दूसरा विकेट 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर कुणाल पांड्या ने अनमोलप्रीत सिंह को LBW कर दिया। तीसरा विकेट 8वें ओवर की आखिरी बॉल पर कुणाल पांड्या ने कप्तान एडन मार्करम को बोल्ड कर दिया। चौथा विकेट 9वें ओवर की आखिरी बॉल पर रवि बिश्नोई ने विकेटकीपर निकोलस पूरन के स्टंपिंग कराया। पांचवा विकेट 18वें ओवर की 2री बॉल पर यश ठाकुर ने अमित मिश्रा के हाथों शॉर्ट थर्ड मैच पर कैच किया। छठा विकेट 19वें ओवर की 3री बॉल पर अमित मिश्रा ने वॉशिंगटन सुंदर को दीपक हुड्डा के हाथों लॉन्ग ऑन पर कैच कराया। सातवां विकेट 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर अमित मिश्रा ने आदिल रशीद को दीपक हुडा के हाथों लॉन्ग ऑन पर कैच कराया। आठवां विकेट 20वें ओवर की 1ली बॉल पर उमरान मलिक रन आउट हो गए।